सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें इस चुनाव में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अनुप्रिया पटेल द्वारा राजा भैया के घर में जाकर बयानबाजी करना उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनके बयानबाजी से नाराज राजा भैया ने मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन का ऐलान कर दिया है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतंत्र के जिला अध्यक्ष संजू मिश्रा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के आदेश पर के समर्थन का पत्र सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी को उनके कार्यालय जाकर सौंपा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष संजू मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर अब यहां उनका संगठन सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेगा। मिर्जापुर सीट पर राजा भैया का समर्थन पाकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी काफी खुश नजर आए। इस चुनाव में जिस तरह से अनुप्रिया पटेल की घेरेबंदी की जा रही है, वह उनकी जीत की राह में मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। पहले उनकी मां की पार्टी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा था और अब राजा भैया ने भी सपा प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। राजा भैया मिर्जापुर प्रचार करने आएंगे या नहीं, अभी यह पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों का मानना है कि एक दो दिन में राजा भैया भी प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस सीट पर सपा ने आखिरी दिन अपना प्रत्याशी बदल दिया था। पहले राजेंद्र एस बिंद यहां से प्रत्याशी थे, पर बाद में भाजपा छोड़ सपा में आए रमेश बिंद को सपा ने यहां से अपना प्रत्याशी बना दिया था। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के प्रतापगढ़ में चुनावी सभा के दौरान राजा रानी को लेकर दिए गए बयान के बाद ही प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। जिले में एनडीए गठबंधन से अनुप्रिया पटेल तीसरी बार चुनाव मैदान में है, जिन्होंने प्रतापगढ़ की चुनावी जनसभा में कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, ईवीएम से राजा रानी पैदा होते हैं। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि राजा भैया का समर्थन हासिल होने से हम सबका मनोबल बढ़ा है। अब तक कुछ वोट मिलने की आशा थी, अब जीत के लिए वोट हासिल होगा। कहा कि यह परिवर्तन का चुनाव है, जिसे हम लोगों ने चुनाव नहीं चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इस बार हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे।